सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ट्यूटोरियल। और पिछली वीडियो के अंदर हमने इंस्टॉलेशन पार्ट देखा था, बट आज की जो वीडियो होने वाली है उसके अंदर हम अपना नैव बार जो है वो डिजाइन करने वाले हैं। ओके, अगर हम मैं आपको इसके थंबनेल में भी मेंशन है, कुछ नैव बार जो है कुछ इस तरीके का हमने बनाया था, तो सेम यही नैव बार हम अचीव करने वाले हैं आज। ओके, सो सिंपली आपको क्या करना है, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है सो आप इस ये जो पार्ट वन है इंस्टॉलेशन वाला पार्ट, इसको भी आप देख सकते हैं। अदरवाइज आप ये जो पार्ट है कंटिन्यू कर सकते हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है, इस रिएक्ट बूटस्ट्रैप की साइट पे आपको विजिट करना है, और मैं इसका लिंक जो है इस वेबसाइट पे भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। सिंपली आपको क्या करना है, या तो आपको ये इंस्टॉल कर लेना है यहाँ पर, और या तो जो भी मैं स्टेप्स यहाँ पे फॉलो कर रहा हूँ वो आप फॉलो कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे राइट नाउ, अभी हम ये रिएक्ट बूटस्ट्रैप का जो पैकेज है वो उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। ओके, तो अभी मैं क्या करता हूँ कि एक नया टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जाता हूँ गिट बैश, बिकॉज राइट नाउ मेरे पास दो टर्मिनल हो जाएंगे, एक जिसके अंदर हमारे रिएक्ट की एप्लीकेशन है और एक ये। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये जो पैकेज है उसको इंस्टॉल कर देता हूँ, ठीक है। तो जब तक ये इंस्टॉल होता है हम इसके कंपोनेंट्स पे ध्यान दे लेते हैं, ठीक है। क्या क्या है कंपोनेंट्स, आपको सिंपली क्या करना है, जो गेटिंग स्टार्टेड ऊपर आपको दिख रहा है उसके साइड में आपको एक कंपोनेंट का एक फोल्डर है, आपको सिंपली वहां पर विजिट करना है। आपको यहाँ पे डिफरेंट टाइप के जो कंपोनेंट्स हैं वो यहाँ पे नजर आएंगे। ओके, तो सिंपली अगर आपको दिखाऊं मैं यहाँ पे एकोडेशन है, आप बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जो भी अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आप ये सारे कंपोनेंट बूटस्ट्रैप के यूज कर सकते हैं। ओके, राइट नाउ हमें क्या करना है, नैव बार पे काम करना है। तो एक बार नैव बार पे चलते हैं। नैव बार पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के नैव बार मेंशन है, आप कोई सा भी नैव बार यहाँ पर आप पिक कर सकते हो। तो राइट नाउ अभी जो हमने प्रोजेक्ट में यूज किया है, जो कि मैंने आपको डेमो दिखाया था, उसके अंदर ये कुछ इस तरीके का हमने नैव बार यूज किया था, ठीक है। तो हम ये इस तरीके का नैव बार जो है अभी इसके अंदर से पिक करने वाले हैं, और इसका जो कोड है आपको देखो यहाँ पे नीचे मेंशन हो रखा है, या तो आप यहाँ से भी पिक कर सकते हैं, या तो मैंने यहाँ पर क्या किया, अगर नैव बार पे आप टेबल फ्रंट एंड में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी मैंने सारा कोड जो है अकॉर्डिंग टू दी डेमो यहाँ मेंशन किया हुआ है, बट मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से यहाँ से यूज करना है। तो अभी हम क्या करेंगे, एक यहाँ से ये जो यहाँ पे इम्पोर्ट स्टेटमेंट्स हैं ये तीनों मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। अभी इसको हम चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं app.js के अंदर, इसको मैं बंद कर देता हूँ पब्लिक वाले को। और यहाँ पे देखो यहाँ पर हम नैव बार को यहाँ पर लिख देते हैं, सॉरी इम्पोर्ट मैंने यहाँ गलत कर दिया, यहाँ पर इसको इम्पोर्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे कंटेनर नैव और नैव बार ये तीनों जो है ये प्री डिफाइन है पहले से ही रिएक्ट बूटस्ट्रैप के अंदर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, अब जो है मुझे ये वाला यूज करना था, तो मैं सिंपली ये क्या है मिडल वन वाला, यहाँ से यहाँ तक इसका ये खत्म है, ठीक है। तो ये सिंगल बीच वाला जो है इसको हमें यूज करना है, मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब पेस्ट कर दिया यहाँ से यहाँ तक। अब इसको क्या करना है, सिंपली ये हमने इम्पोर्ट भी कर दिया था और ये भी कर दिया है। अब एक बार इसका हम डेमो देख लेते हैं ये आया कि नहीं। तो आप देखोगे कि कुछ इस तरीके से आ रहा है, क्यों आ रहा है, बिकॉज कि हमने सिर्फ अभी क्या किया है इंस्टॉलेशन पार्ट में, अगर मैं आपको लेके चलूं दोबारा से गेटिंग स्टार्टेड पे, तो अभी हमने ये इंस्टॉल किया था, ठीक है। बट इसके लिए हमें क्या करना है कि अगर इसके अंदर स्टाइलिंग अप्लाई हो तो यहाँ पे कुछ, या तो आप app.js के अंदर ये इम्पोर्ट कर लीजिए, बट मैं जो प्रेफर करता हूँ वो इसको हम क्या करेंगे अपने index.html की फाइल जो होती है रिएक्ट के अंदर, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। उसके अंदर हम क्या करेंगे, पब्लिक के अंदर जाना है आपको, index.html की फाइल होगी, इसके ऊपर एक जो टाइटल है, टाइटल के ऊपर मैं क्या करता हूँ उसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। जैसे हम HTML CSS की फाइल के अंदर लिंक कर देते हैं ना बूटस्ट्रैप को, सेम उसी तरीके से आपको इसकी लिंक को पेस्ट कर देना है। फिर आप क्या करें, एक बार विजिट कर सकते हो यहाँ पर दोबारा साइट पे, आप देखोगे तो यहाँ पे जो नैव बार है आपका सिंपली यहाँ पर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आप इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसको हम थोड़े इसको रिफैक्टर करके कंपोनेंट वाइज इसको सेपरेट करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक दिस वीडियो गाइस। ओके।